बंद करो यार। नहीं, प्लीज बंद करो। हमें नहीं सुनना है रीमेक सॉन्ग्स, हमें ओरिजिनल सॉन्ग्स ही सुनने हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता है राहुल भोज आप सभी लोगों का आप लोगों के फेवरेट चैनल में। आ गया हूँ आपको डिस्को डांसर 2.0 वर्जन के बारे में बात करने के लिए। भाई बड़ी एक्साइटमेंट हो गई थी जब हमने टाइगर श्रॉफ को उछलते हुए यो करते हुए देखा था। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिस्को डांसर जो आई एम अ डिस्को डांसर डाटा, जो एक एक जो क्रेज था, बिजली सी क्रॉस जाती थी शरीर के अंदर, वो इस गाने को सुन के तो है ही नहीं। ऐसा लगा ये सिर्फ बनाने के लिए बना दिया गया। मतलब कि अगर आप सॉन्ग, चलिए ठीक है, बीट्स को आप रिदम नहीं कर पाए, लेकिन गायकी में तो कुछ कम से कम आप जान रखिए। मतलब बपिता अभी भी गाएंगे ना दोस्तों, तो वो जनता को ज्यादा अट्रैक्टिव और अपीलिंग लगेगा इन स्पाइट ऑफ दिस। मतलब अगर देखा जाए यार, 2.0 वर्जन आप निकाल रहे हो तो एक्सपेक्टेशंस तो बढ़ जाती हैं। ये ऐसा तो है ना कि सिर्फ निकालना है तो निकाल दिया यार, और ऊपर से फिर डांसिंग। टाइगर श्रॉफ को अगर यू नो मिथुन दा की तरह ही कुछ झटक और झटपट वाले डांस मूव देते तो कुछ एक नयापन आता। वही ऐसा लगा जैसे कि बागी थ्री करके टाइगर श्रॉफ जो है बागी थ्री के सेट से सीधा इसके सेट पे कूद लगा कर आए। और प्लस अगर देखा जाए तो ये प्रमोशनल सॉन्ग है बागी थ्री का। ऐसा लगा भाई अगर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, टैलेंट इन्वेस्ट हो रहा है, अच्छे अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं, रिमिक्स बना रहे हो जिससे ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आप ये नहीं परोस सकते। व्हाट हैपेंड टू यू सारे गामा? मतलब आप इस तरीके के गाने कैसे ला सकते हैं? चलिए एक एक तरफ, दूसरी जो लेबल कंपनी है वो लेकर आ रही है, समझ में आ रही है चीजें, राइट? वो सिर्फ पैसा छाप रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो सारे गामा से ये उम्मीद नहीं थी। इसके गाने एकदम क्लासी होते हैं यार। आप भी सुन लीजिए डिस्को डांसर 2.0, फ्लैशी लाइट्स, टाइगर श्रॉफ के मूव्स, ऋतिक रोशन जी को भी इसमें एक तरीके से ट्रिब्यूट दिया गया है दोस्तों। कच्चा नहीं वाला जो स्टेप है, यू वाला, ये वाला। सो बेसिकली अगर मुझे लगा कि इस सॉन्ग की जरूरत नहीं थी, मुझे ऐसा लगा, और पार्टीज वार्टीज में मुझे नहीं लगता कि ये सॉन्ग ज्यादा धमाल मचा पाएगा एज कम्पेयर टू दी ओरिजिनल वन। ओल्ड इज गोल्ड, मैं बस इतना कहना चाहूंगा। आप लोगों का भी रिएक्शन क्या है जरा बता दे कमेंट सेक्शन में, और बने रहिए अपने फेवरेट चैनल के साथ। सो कीप ऑन वॉचिंग।